नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे दर्रा के बारे में। दर्रा यानि पास, और ये होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दर्रा, दर्रा क्या होता है कि वैसे प्राकृतिक रास्ते जो दो पहाड़ियों या दो पर्वतों के बीच आवागमन का मार्ग प्रदान करती है, वो दर्रा कहलाती है। तो इसमें बोला ये जा रहा है कि दर्रा वैसा प्राकृतिक रास्ता होता है जो दो पर्वतों के बीच में आने जाने के लिए, आवागमन या परिवहन के लिए उपयोग करते हैं, तो हम लोग उसी को दर्रा कहेंगे। तो दर्रा हुआ ये कि जैसे कोई ये पर्वत हुआ या पहाड़ हुआ, तो इस ओर से हम लोग को उस ओर जानी है, तो पहाड़ को काट करके जाना तो संभव नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग प्राकृतिक रास्ता होता है कुछ, तो उसी को हम लोग कुछ बना करके इस तरफ से उस तरफ जाते हैं, तो वैसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं दर्रा। और दर्रा को हम लोग ये साइन में दिखाते हैं, तो इससे हम लोग पता चल जाती है कि ये कोई दर्रा है जिस पर हम लोग इस किनारे से उस किनारे जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो जाती है हम लोगों का दर्रा। और भारत में भी ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं जिससे हम लोग अलग देशों में जाते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, हमारे जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वो सब में हम लोग दर्रा का उपयोग करते हैं, इस घाटी से उस घाटी में या फिर इस पर्वतों के इस पार से उस पार की ओर हम लोग यही दर्रों का उपयोग करके जाते हैं। तो आइए हम लोग भारत के कुछ राज्यों के बारे में जहाँ पर दर्रे पाए जाते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग आज याद करते हैं। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ बात बोलते हैं, किसी को बोलते हैं या फिर हम लोग अपने छोटों को भी बोलते हैं, तो उसी से रिलेटेड है कि हम लोग आज देखेंगे कि कौन से स्टेट्स में, भारत के वैसे स्टेट्स में जहाँ पर दर्रा है, तो उसी के बारे में हम लोग आज जानकारी देखेंगे। तो जिससे हम लोग बहुत सारे बोलते हैं क्या कि ये मत करो, वो मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो इसी टाइप से हम लोग एक चीज़ को याद कर लेते हैं। तो वो चीज़ क्या है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं सिक्का ना जला, तो ये वाला बात को हम लोग याद कर लेते हैं। तो इससे हम लोगों को मिल जाएगी क्या कि कुछ दर्रा है जो कोई भारत के एक दर्रा है जो भारत के किसी राज्य में है। तो सिक्का, तो सिक्का से हम लोगों को क्या याद करना है, सिक्किम राज्य में पाए जाने वाले दर्रों के बारे में जानेंगे। ना, ये ना से हम लोगों का हो जाएगा नाथुला दर्रा। जला, जला से हम लोग याद कर लेंगे जलेपला दर्रा। तो ये दो, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है, तो ये हमारे पाए जाएंगे कहाँ, सिक्किम राज्य में। तो हम लोग सिक्किम राज्य में पाए जाने वाले दर्रों को आसानी से इस बात को याद करके हम लोग याद कर लेंगे कि सिक्किम में पाए जाने वाले दर्रों में है ना से नाथुला दर्रा और जला से हम लोग याद कर लेंगे जलेपला दर्रा। तो इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं कि सिक्किम राज्य में पाए जाने वाले दर्रों के बारे में। इसी टाइप से हमारे भारत के अन्य पर्वतीय राज्यों में जहाँ पर दर्रे पाए जाएंगे, तो उनके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे।